हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल चड़ुका जी में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, आज है 15 अगस्त, जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, मतलब हमारे भारत देश को आज़ाद हुए पूरे 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसे बलिदान दिवस भी कहते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए ऐसे भारत के कई क्रांतिकारियों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। उन क्रांतिकारी वीरों के मैं नाम लेना चाहूँगा, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु। इनके अलावा वीर रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, मंगल पांडे और चिट्टोग्राम के मास्टर शुजोदत्त, जो कि एक टीचर थे लेकिन वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे अपने समूह को इकट्ठा करके। आज हम लोग आज़ादी में घूम रहे हैं, आज हमें फ्रीडम है, तो सिर्फ और सिर्फ उन महान क्रांतिकारियों की वजह से, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर देश के हित के लिए कार्य किया और आज हमें आज़ादी दिलवाई। तो आज 15 अगस्त के मौके पे हमारा राइडिंग ग्रुप BRC वृक्षारोपण करने जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को सारी एक्टिविटी दिखाऊंगा कि हमारे ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं और 15 अगस्त पर हम लोग क्या खास करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बाइक से रैली निकालेंगे हम लोग, जो कि शहीदों के सम्मान के लिए, और काफ़ी सारे राइडर्स लोग इकट्ठा होंगे इस रैली में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको दिखेगी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं लोकेशन पे। मैं नहीं चाहता कि 15 अगस्त के मौके पे मैं लेट हो जाऊँ, तो सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो अपन भी टाइम से पहुँच जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी अपन आ गए हैं अपनी बाइक को वॉश करवाने के लिए। देख सकते हैं कितनी गंदी है, फ्लैग भी लगा चुका हूँ मैं अपनी बाइक पे। अरे क्या हो गया, बस कर ले। अरे यार छोड़ ही नहीं रहा ये, क्यों? तो बाइक अभी अपनी हो चुकी है वॉश, और फ्लैग भी देखो कितना अच्छे से लहरा रहा है। तो चलते हैं अभी अपनी लोकेशन पे, रचना टावर के पास में अपना मीटअप पॉइंट है, सारे राइडर्स वहीं आ रहे हैं। आगे जो भी होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, आपको मेरे सारे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी, तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहना। अब हम निकलते हैं अपनी लोकेशन के लिए। बस बारिश ना हो यार, आज थोड़ा बारिश का लग रहा है मुझे, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो हो सकता है शायद बारिश भी हो जाए हल्की, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बारिश चलती है, इतनी बारिश में तो हम मैनेज कर सकते हैं। दो सौ दस ऑनलाइन ये हो गया 210। क्या बात है अंकल, 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिली क्या आज? सबको आज़ादी मिल रही है, आपको भी मिलना चाहिए। ये सोच ले तो फिर मानता ही रहे। नौकरी नहीं करेगा, ये बात भी सही है। तो गाइस अभी भरवा लिया अपन ने फ्यूल और निकल रहे अपनी लोकेशन के लिए। बहुत जल्दी अपन अपने राइडर लोगों से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जब मैं स्कूल में था, तब मुझे 15 अगस्त पे भाषण देने का काफ़ी शौक था, मतलब 15 अगस्त के 4-5 दिन पहले से मैं भाषण की तैयारी करने लग जाता था, और जिस दिन 15 अगस्त होता था भाई उस दिन भाषण बोलता था। लेकिन हाँ भाई, वो भाषण तैयार करने में बहुत ईजी लगता था, लेकिन जब स्टेज पर बोलने की बारी आती थी तब भाई मैं थोड़ा डर जाता था। लेकिन फिर भी भाई जैसे स्टेज पे मैं पहुंचता था, भाषण बोलना शुरू करता था, वैसे मेरे अंदर का डर खत्म हो जाता था। वो दिन है और आज का दिन है भाई, उस दिन के बाद से मैंने आज तक भाषण नहीं दिया कभी। आज फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने राइडर्स लोगों के साथ में, अपनी BRC कम्युनिटी के साथ में आज ट्री लगाने वाला हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नेचर का ख्याल रखें, ट्री लगाए। सो गाइस, ये जो BRC ग्रुप है, ये मेरा नया राइडिंग ग्रुप है। बहुत सारे मतलब कुछ मेंबरों से मिला हूँ मैं, जिसमें से 2-3 को तो मैं जानता हूँ, बाकी लोगों से मैं आज फर्स्ट टाइम मिलने वाला हूँ। तो देखते हैं लोकेशन पे जाकर के कि कौन कौन आया है, फिर उनसे मिलते हैं। लोकेशन पे तो पहुँच गए हैं, राइडर्स लोग अभी दिख नहीं रहे कहाँ पे है, सो मैं अभी उन्हें ढूंढता हूँ। BRC यश सनत, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस आपको भी। यश इंडिपेंडेंस डे भाई। तो ये रहा रचना टावर, जो कि कल ग्रुप में लोकेशन दी गई थी। तो कुछ लोग अभी आए हैं और बाकी के लोग अभी आने के हैं, तो करते हैं उनका वेट, जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। मेरे चैनल का नाम चड़ोकार जी, वो जो लिखा है ना यहाँ पे चड़ोकार जी करके। स्कूल नहीं गए तुम आज? आ गए स्कूल से, तो डांस वगैरह किया कुछ? या हर कदम कदम पे धरती बदले रंग। अभी कहाँ जा रहे हो आप? VIP? नहीं यार, अभी हम लोग क्या ट्री वगैरह लगाने का हमारा चल रहा है, प्लांट वगैरह लगाएंगे अभी हम लोग।
तो उसके लेके लोकेशन पे आए अभी हम लोग, इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। रोड पे काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था तो सोचा कि अंदर साइड में ही अपनी बाइक को पार्किंग में लगा दें। ये हमारे विपुल भैया जो कि BRC ग्रुप के एडमिन है, इन्होंने अभी हमें स्टिकर दिया है तो अभी अपनी बाइक पे अपन इसे लगाने वाले हैं। तो कौन सी लोकेशन आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी विपुल भैया, बताइए। जो आपका मन करे आप तो दिल में लगा लो। वो तो लगा है भैया, देख लो यहाँ पे बैज भी लगा हुआ है। मतलब मुझे लगता है ये यहाँ पे सूट करेगा, तो लगाते हैं इसे अभी अपन जल्दी से। यहीं पे ऐसे सीधे रखो, परफेक्ट। इसमें निकलेगा नहीं, इसमें निकलेगा भी नहीं, जिस जगह वो लगा रहा है निकलेगा नहीं, परफेक्ट जगह। क्योंकि क्या है ये है ना, ये बहुत चौड़ा है। सो गाइस यहाँ पे सेफ्टी से रहेगा स्टिकर अपना, यहाँ पर कुछ और भी स्टिकर लगा सकते हो, मजा आ जाएगी। तो ये है सैम भैया, इनसे आगे अच्छे से और मुलाकात होगी बाकी के ग्रुप मेंबर्स के साथ में। फिलहाल विपुल भाई अभी वो राइड को लीड करेंगे, तो वो उनके कुछ सिग्नल्स रहेंगे तो अभी बता रहे हैं, उन सिग्नल्स को हमें फॉलो करना है जिससे कि हमारी राइड जो रहेगी वो काफ़ी सेफ हो जाएगी। जब राइडर्स लोग अपनी बाइक्स के साथ चलते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट होना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से भाई सेफ राइड होती है। सिग्नल्स हैं जो अपन को फॉलो करने रहते हैं, लाइक हैंड साइंस है, तो जब सिंगल लाइन अप पे चलेगी पूरी बाइक तो जो लीड राइडर है, जो मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे सिंबल करूँगा यह सिंगल लेन का। जैसे ही मैं ये सिंबल करता हूँ तो आप डबल लेन में हो या कैसे भी हो तो एक के पीछे एक आ जाओगे लाइन से। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं और काफ़ी टाइम बाद भाई मैं ग्रुप के साथ में ऐड हुआ हूँ और ऐसी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे। मेरे पास कौन सा वाला है? ओ ठीक है, अभी अपने को ये अपना न्यू बैच मिला जिसका नाम BRC प्लांटेशन ड्राइव करके 15 अगस्त भी लिखा हुआ है इसमें, तो ये एक स्पेशल बैच है। ये RS 1000 है। ओ, भाई साउंड चेक करो भाई। सो गाइस सारी बाइक्स का लाइनअप हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी राइडर्स आ गए हैं, बस अब थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं अपने लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग ट्री लगाएंगे। तो गाइस ने जहाँ व्यवस्था कर चुकी है अपन ने पूरी की पूरी, तो वहाँ पे अपन ट्री प्लांटेशन करने वाले, तो बाकी सब्सक्राइबर। ये हो गए भाई सब राइडर्स रेडी, निकलेंगे भाई, बहुत खतरों राइड होने वाली है। सो गाइस हम आ गए अपने अभी GoPro पे और सारी एक्टिविटी आज आपको अपने GoPro पे ही देखने के लिए मिलेगी। सो चलिए निकलते हैं अपनी लोकेशन के लिए। बाइक का लाइनअप देख रहे हो गाइस, आप एकदम सीक्वेंस में लगी हुई है और सारे राइडर्स बाकी पीछे हैं। सो यही मैं आपको बता रहा था कि पिपुल भाई इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि हमें रोड पे चलना है तो बहुत सारी बाइक्स है तो उसे मैनेज कैसे करते हुए हमें निकलना है, मतलब किसी को प्रॉब्लम ना हो और हम लोग ईजी निकले। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी लोकेशन के लिए। सो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि भाई सभी बाइक्स लाइन में चल रही है, मज़ा आ रहा है। अरे इतना बड़ा है तो। सो गाइस आज 15 अगस्त का माहौल लग रहा है भाई, क्योंकि पिछली बार अपन इतना एंजॉय नहीं किया था जितना आज अपन अपने राइडर्स लोगों के साथ में कर रहे हैं पीछे। अरे भाई साहब कितने सारे राइडर्स लोग हैं भाई, पूरा लेंथ में आए हुए हैं। सो गाइस प्रॉपर रूल्स का पालन कर रहे हैं सभी लोग, जो इंस्ट्रक्शन भाई सामने वाला राइडर अपने को दे रहा है सेम इंस्ट्रक्शन सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है लेकिन भाई बारिश नहीं हुई, ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो आज बारिश हो जाती तो भाई आज का प्लान थोड़ा सा डिले हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है जिससे हमारा काम और ईजी हो जाएगा, तो जैसा सोचा था प्लान के हिसाब से वैसे ही हमारा काम होगा अगर सेम ऐसे ही मौसम रहा। अरे मुझे लग रहा था भाई आधे लोग उधर टर्न क्यों हो गए। अच्छा तो भाई थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि सिग्नल से कुछ लोग राइट टर्न हो गए थे और कुछ लोग लेफ्ट हो गए थे, तो कन्फ्यूज़न हो गया था। मतलब भाई टायर की एकदम वैल्यू ना इतनी ख़तरनाक है ना भाई, देखो भाई बाइक का भाई काफ़िला देखो भाई कितना सही लग रहा है भाई, मतलब भाई मज़ा आ रहा है, मतलब भाई कितनी भी टेंशन हो ना बस एक राइड कर लो अपने ग्रुप के साथ में भाई आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी भाई। सो गाइस ये ग्रुप में अंकल भी ज्वाइन हो गए लग रहा है क्योंकि हमारे साथ साथ में चल रहे हैं बहुत टाइम से,
इन्हें समझ नहीं आ रहा कि चलना कहाँ है, तो हमारी लेन में आने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। गाइस वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे वेदर में भाई राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग भी राइड किया करो तो भाई क्या जगह एक्सप्लोर होती है, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। राइड करने से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जिन लोगों को भी बाइक चलाने में फोबिया मतलब डर लगता है, वो भाई ऐसे ग्रुप के साथ में राइड करो भाई, तो आपको ना काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे भाई आप वो अपने सीनियर से पूछ सकते हो, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तो अच्छा लगता है भाई। देखो भाई अंकल फिर कैप्चर हुए भाई, अंकल अच्छा लग रहा है भाई, अंकल लोग भी अपने साथ में चल रहे हैं, बढ़िया है। गाइस अभी हमें वन लेन में चलना है क्योंकि रोड थोड़ा सा पतला है तो हम ज़्यादा रोड घेर के चल नहीं सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑफ रोड है और रोड भी थोड़ा सा सक रहा है, पतला है, इसीलिए भाई यहाँ पे टू लेन में नहीं चल सकते, इसलिए वन लेन में चलना है। मतलब सारे राइडर्स एक ही लाइन में चलेंगे, एक ही पीछे एक। रोड तो वाकई में बहुत ख़राब है भाई। सो गाइस ऐसा लगता है लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, खाली अभी बाइक लाइन अप में लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। देते भाई बाइक खड़ी। गाइस ये अंकल अपने ही राइडिंग ग्रुप का हिस्सा था जो कि मुझे मालूम नहीं था, जो अपने साथ चढ़े थे, मुझे लग रहा था कि रैंडम बंदे है, लेकिन ठीक है। सो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, ये रही हमारे पीछे लोकेशन, हमें यहीं पे प्लांट लगाना है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप बैचेस BRC की तरफ से मिले जो कि काफ़ी कूल लग रहे हैं। सारे राइडर्स लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है भाई इस राइड में, जो यहाँ पे आए, जिन्होंने अपना टाइम निकाल करके आज राइड को इम्पोर्टेंस दी, तो उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैया इधर आओ, दो मिनट इधर आओ। आपका नाम बताइए पहले। अविनाश आप करते क्या हो? फास्ट फूड का आप क्या कहना चाहोगे? आप 310 लेके बैठे भैया, फास्ट फूड से गांठ फट गई भाई। चार आउटलेट है भाई, तभी तो फूड का काम है भैया का। चार आउटलेट है भाई, चार भाई बंदे के। तो भाई ने देखो भाई बाइक क्या मस्त लिए भाई, 310 लिए हुए भाई अपाचे। कुछ सीखे आप? बिजनेस भाई बिजनेस। वी कैन कंसीडर दोस एज आवर बेबीज, ठीक है, क्योंकि अब वो धीरे यहाँ पे प्लांट होने वाले, दे विल ग्रो लाइक ग्रेजुअली। ठीक है, सबके लिए आपने एक प्लांट्स लेकर आ गए हैं, तो एक एक प्लांट उठा के ले आइए और सब यहाँ पर बैठ के हम प्लांट और फ्लैग के साथ हम एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। और उस कॉर्नर से वो जो वॉल दिख रही है सीमेंट वाली, वहाँ से हम वहाँ पर ऑलरेडी हमने होल्स टिक करा रखे, वहाँ से हम शुरुआत करते करते ये पूरा ग्रेजिंग वाला एरिया हम उसको कवर करते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक एक पौधे ले आइए सभी। चलो चलो अभी हम लोग उठा लेते अपना एक एक ट्री। बबली मेरा बच्चा कहाँ है? आपने अपने ट्री का नाम भी रख दिया क्या? वो रहा अपना एक छोटा सा अलग से अलग सिंगल। सो गाइस ये वाले ट्री को अपन उठाते हैं एंड इसे अपन लगाएंगे। सो ये रहा अपना ट्री। अपने अपने बबली बुल्लू तो गाइस अभी ग्रुप फोटो होने वाली है यहाँ पे, सभी लोग लग गए अपने अपने पौधे लेकर के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो पौधे का नामकरण हो चुका है पिंटू, एक का नाम रख दिया पिंटू। सो गाइस पौधे लगाना सबने स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढे पहले से कर रखे थे, खाली यहाँ पे हमें पौधे लगाना है। गाइस ये रहा गड्ढा और ये रहा अपना ट्री, इसका नाम अपन ने पिंटू रखा है। पिंटू को अपन लगाने जा रहे हैं भाई गड्ढे में, और चलिए आपको दिखाते हैं। तो खुलेगा यहाँ से, अच्छा इसको ऊपर डायरेक्ट ऐसे ओपन खींच लेता हूँ ना, अच्छा इसको साइड से फाड़ के कर लेते हैं। गाइस ये रख दी है भाई अपन ने, अब मिट्टी भर देते इसके चारों तरफ से। सो काफ़ी काम इजी हो गया गड्ढे पहले से खुदे मिलने से, जिसकी वजह से भाई हम लोगों को खाली पेड़ ही लगाना था यहाँ पे, मतलब पौधे ही लगाना था। तो ये देख सकते हैं आजू बाजू से हमने मिट्टी लगा दी है, और वैसे भी बारिश का टाइम है तो पानी तो उन्हें मिलता ही रहेगा, क्योंकि अगर गर्मी में लगाते तो इशू होता है इसे डेली पानी देने का, लेकिन अभी बारिश का टाइम चालू हो गया है तो इजी ग्रोथ करेगा मेरे ख्याल से। तो ये पौधा, तो गाइस पौधों तो अपन ने लगा दिया है, पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश कब होगी इसका अंदाज़ा नहीं है फिलहाल, तो अभी पानी डाल देते हैं भाई।
अभी ब्लॉग बना रहे थे तो यहाँ पे हमें एक स्नैक देखने के लिए मिला, क्योंकि एक बच्चा ही था, पता नहीं किसी ने इसे मार दिया या फिर इसके ऊपर से बाइक चली गई। मुझे इस बिहार जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, हमें इसे ही काम चलाना, इसे ही काम चलाना पड़ेगा। पता नहीं है काम हमारा नहीं, हम कच्चा खाते हैं। क्या बोला आपने? छिपकली है ये, छिपकली है ऐसी होती है। चलो मेरे घर में है वो क्या है फिर, चार पैर वाली वो सांप है, वो सांप है क्या? सो गाइस, पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग चल रही है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत हो ना भाई, तो भाई लोग मुंह से ही बजा देते हैं भाई, इनको इंस्ट्रूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, पूरा मुंह काफी है भाई इनका। भाई भाई 25 साल की मेहनत है, 25 साल की। सो गाइस, जैसे कि आज का प्लान सक्सेसफुल हुआ और सभी ने ट्री लगा दिए, पर राइडर ने एक एक ट्री लगाया है, तो सभी राइडर्स को थैंक्स। नहीं बोलोगे, आपने भी लगाया? मैंने भी लगाया ट्री, बिल्कुल लगाया मैंने ट्री, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मेरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट लोकेशन पे चल रहे भारत माता चौराहा, वहाँ पे क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे चल के क्या ब्रेकफास्ट क्या होने वाला है, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा सुनिए, है ना? तो ठीक है, अब वहीं चल रहे अपन लोग, सारे राइडर्स यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हो धीरे धीरे निकल रहे हैं, और हम लोग भी निकलते हैं, लोकेशन पे पहुँच के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पीछे सब लोगों का फूड चालू हो गया, तो मैं भी करता हूँ भाई फूड, क्योंकि बहुत भूख लगी है, मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया। प्लीज़ 15 अगस्त का व्लॉग है, तो प्लीज़ जय हिंद ज़रूर लिखना और बताना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। कितने का माल लग रहा है यहाँ पे जो पड़ा हुआ है? भाई लाखों का, 10,000 का भी। अच्छा भाई, गोप्रो लगा वाला भी हेलमेट है सबका भाई, ये 100 रुपए का, 100,000 रुपए का। भाई 1,000 रुपए का, मैं सैपाली ले रहा हूँ, सैपाली।